हेलो एवरीवन और राम राम सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेजर मॉम शालिनी। और मैं हूँ शालिनी और हम लोग हैं अपने घेर में, यानी कि मैं और विनी जी कर रहे हैं सानी, यानी भैंस को चारा डाल रहे हैं और मैं उनकी हेल्प करा रही हूँ, यानी हरा और जो भी काम होते हैं एक्स्ट्रा वो सब कर रही हूँ। यहाँ विनी जी ने भूसा डाल लिया है और मैं डाल रही हूँ हरा यानी बरसी। और किसी ने मुझसे कहा था आप हैंकी टक करके मतलब अपने घेर का भी काम करके दिखाई, यानी शायद वो मेरी वीडियो पर रेगुलर बने हुए हैं इसीलिए वो उन्होंने मुझे ये कमेंट किया, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ही मेरी 3-4 जो वीडियो गई हैं बस वही मैंने लेटेस्ट बनाई है हैंकी पे और नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे हैंकी टक करके घेर का काम करने में। तो यहाँ पे ना विनी जी ने करती थी सानी, मैं रखने गई हूँ मुन्ना जो है ना हमारा छोटा सा बछड़ा, वो पट्टा है उसके लिए चारा, वो अभी एक ही तसला खा पाता है और थोड़ा सा हम लोग बाद में रख देते हैं। और ये जो ना हमने चारा गोदा था सुबह यहीं पे था, क्योंकि भैंस उधर बंद गई थी हमारी प्लॉट में तो तब गोदा था तो यहीं रहने दिया, तो मैंने कहा जब उनको सानी करेंगे ना तो तब इसे झाड़ के उधर कर दूंगी। तो मैंने ये अभी जब डल गया है थोड़ा बचा है वो कोने में कर दिया और फिर झाड़ू लगा दी। ये है हमारी खर की बाल्टी, इसमें मैं ना अभी खर भूसी डालूंगी, अभी तो पानी डाल रही हूँ, ये मैं दलिया के लिए रख रही हूँ। यहाँ भी नीचे ने अपने हाथ धो लिए हैं इसी पानी में, फिर हम लोग बाद में जाके साबुन से घर जाके वॉश कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बहुत सारे काम रहते हैं, कुछ ना कुछ उठाना रखना कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है, तो भाई भैंस वाला काम तो भैंस जैसा ही है। तो ये डाल रही हूँ मैं भूसी, हम लोग है ना एक बार की सानी में एक कटोरा भूसी, एक कटोरा खर और एक मतलब आधा सा कटोरा आटा डालते हैं। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी वॉइस आ रही हो माइंड मत कीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि हमारा घर रोड के पास ही है, कितना भी स्किप करो नहीं हो पाता है यार। तो यहाँ पे विनी जी ने ना थोड़ा सा पानी और ऐड किया था और थोड़ी सी खर उनको कम लग रही थी, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे दलिया ठंडा। पता है सब लोग बोलते हैं ये दलिया ठंडा क्या होता है, मतलब कमेंट करते हैं जो नहीं जानते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हम जो है ना भैंस को जो दलिया रांधते हैं दलिया से दूध ज़्यादा देती है भैंस और हेल्दी भी रहता है, ठीक है। तो ना हम उसे ना चूल्हे पे गरम करते हैं ना तो वो बहुत गरम रहता है बहुत देर तक, तो अगर वो थोड़ा सा गरम भी होता है ना तो उसे हम पानी में मिला के उसे पतला कर देते हैं, और अगर वैसे ही हम रंधा हुआ थोड़ा सा जैसे बना के रखे उसे डाल देंगे ना तो वो भैंस है ना फटाक से खा लेगी और उसे अजीब सा भी लगेगा कुछ तो, क्योंकि वो एकदम डरी डरी टाइप सा हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो अगर हम पानी में पतला करके डालते हैं ना तो वो इजीली है ना सानी में मिला के यानी भूसा में मिला के खा लेती है। उधर अभी विनीत जी ने ना गुड़ डाला था, गुड़ से ना भैंस में अभी सर्दियाँ हैं तो गर्माहट बनी रहती है, जैसे हम लोग मेवा खाते हैं तो गुड़ भैंस जो जानवर होते हैं ना भैंस हुई गाय हुई गुड़ उनकी सर्दियों में मेवा होती है। और ये आ गई हमारी भैंसें दोनों, ये पड़िया है भैंस वहाँ बन गई, ये है हमारा पट्टा, ये अभी ना बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, ये भी है ना एकदम इन दोनों की तरह नोटी नोटी बनता जा रहा है, यानी गोल गोल घूमना और शरारतें करना इसका भी शुरू हो गया। घेर में काम करने के बाद मैं छत पे आई थी, ये मेरे कुछ कपड़े थे जो मैंने आज ही वॉश किए थे, स्वेटर वगैरह है, धूप अच्छी निकल रही है एक दो दिन से, पर ना सब लोग बोल रहे हैं कि अभी ना बारिश आएगी या बादल होंगे ऐसा कुछ, तो पता चले क्या होता है। तो यहाँ पे मैं ना सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी। मैं क्या करती हूँ एक बार को मैं ना अपने उल्टे कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, पर विनीत जी के और बच्चों के नहीं रखते ना मम्मी के रखती। मुझे है ना बहुत लोग पूछते हैं अभी भी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्यूशन नहीं पढ़ा रही हूँ, स्टार्टिंग की वीडियो में ही मैंने है ना अपना ट्यूशन वाला
वाले जो ब्लॉग बनाए थे, बच्चे भी दिखाए थे, तो सब लोग बोलते हैं कि ना आप ट्यूटर हैं या टीचर हैं। तो हाँ भाई, मैं टीचिंग करती थी और ट्यूटर भी थी, घर पे बच्चों को पढ़ाती थी। और पता है, मैंने ना वॉश किए, अपने पैर साफ़ किए थे ना, आपको पेडीक्योर दिखाया था कैसे होम रेमेडी करके। तो पता है मुझे ना अपने पैर बड़े अच्छे लग रहे थे अभी फ़िलहाल में कुछ कल से, ये देखो। और मुझे पता है, मुझे भी ना ग्रीन नेल पेंट बहुत अच्छा लगता है, पवनी जी को रेड अच्छा लगता है, तो रेड पता है मैं फेस्टिवल पे ही लगाती हूँ। ये जो तो दाग है ना मेरे ऊपर है ना, मैं बैठ के ना सब्जी बना रही थी तो पैर पे छटक गया था, तो ये उसका दाग है राइट हैंड वाले पे। क्या बना के लाए हैं? मैगी। पी के खाओ, खा के पियो। है ऐसे पति दे हर किसी को दे भगवान, है ना। मुझे भी खिला दो। पता है बहुत लोगों को इनका, मेरे को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तुम खाते रहे ऐसे खिलाओगे? बनता बनता है। नहीं नहीं, सही तुम सही था। ये रहा तनु। तनु को सब याद कर रहे थे। तनु, तुझको सब याद कर रहे थे? हाँ। अच्छा, हाय बोलो सबसे। हाय। कैसे हो? कैसे हो? माम माम करो। माम माम। नमस्ते। हाँ, और क्या बोलते हैं? राधे राधे। राधे राधे। गुड्डा मेरा, गुड्डा मेरा, गुड्डा है ना। पढ़ने, अब तो स्कूल खुलने वाले हैं, पढ़ने जाया करेगा? खुले ना है अब खुलेंगे, अब मार्च में खुलेंगे। जाएगा पढ़ने? हैं? है? अच्छा, किसके साथ जाया करेगा? नया बैग लेके आऊंगा मैं। नया बैग लेके आएगा? हाँ, मंगाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा। ये है मेरी आई ड्रॉप, मेरी आंखों में डालने के लिए दी है। आई टोन है ये, आयुर्वेदिक दवा है, डाल तो रही हूँ। विनी जी कह रहे थे लोकल है, अब आप लोग बताइएगा कि ये ठीक है या नहीं। मेरी आँखों में ना मतलब दर्द होता है अभी चश्मा लगाने के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखो, आज मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, हमारे यहाँ का। पता है, अच्छी खासी धूप निकल रही थी कई दिन से, 7-8 दिन से बहुत अच्छी धूप निकल रही थी। ना स्वेटर पहन रहे थे हम लोग दोपहर में, ना कुछ, मतलब गर्मी लगती थी रात को रजाई ओढ़ने में भी। और अभी आप देखोगे ना, आप देख सकते हो इतना भयंकर फॉग है कि जवाब नहीं है। और इतनी ठंड बढ़ गई एक साथ, पता नहीं क्यों। हम कल, पता है कल शाम को ना यहाँ पे फॉग सा था बस इतने बीच में, तो हमने सोचा कि ना खेतों में पानी लगा देते ना, तो ना मतलब एकदम ओस टाइप से निकलती है, तो हमने समझा वो ओस है। पर सुबह देखा ना, पूरी रात निकलने के बाद इतनी सारी मतलब ठंड है और इतना सारा कोहरा है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। अभी ना इस वाले खेत में ना पानी लगाया था कल, तो हमने यही सोचा था कि शायद पानी से ना ऊपर मतलब ओस सी आ गई है शायद। और अभी इतना सारा कोहरा है कि बहुत ज़्यादा। ये देखो सारा सीला सीला, ऐसा लग रहा है बारिश हुई है क्या। देखो पेड़ पे दिखाते हैं आपको, देखो ये देखो इतना सारा पानी खट्टा है इस पर। और अभी हम लोग चाय पी के आ रहे हैं, आज हम लोग लेट उठे। विनी जी भी थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो उन्होंने भैंसों को बाहर नहीं बांधा क्योंकि ठंड लग जाती है ना, तो भैंस दूध देना कम कर देती है, तो इसी वजह से। और मुन्ना बीमार हो जाता हमारा, इनकी पता है, फिर पता है इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसके मुझे बड़ा दुख सा होता है, कमर पे, गर्दन पे, कुछ ऐसे लगाते हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चे नहीं मानते उनको, चाहे कितना भी ठंड हो, चाहे कितना भी कोहरा हो, पर वो खेले बिना नहीं मानते। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना मतलब हिमाचल साइड चले गए, और वहाँ पे ऐसा मतलब एकदम होता है ना वही मतलब बर्फ़ बर्फ़ सी जैसे कुछ होता है, वही स्मेल आ रही है एकदम बर्फ़ जैसी। आज के लिए बस इतना ही। कल पता है शाम को ना हम लोगों ने बस मम्मी के लिए मैगी बनाई थी हमने, और मम्मी के लिए मैंने 2 रोटियां डाल दी थी, उनका मन नहीं था, थोड़ी सी मैगी खा ली थी उन्होंने, तो कल इतना काम नहीं था। फिर हम लोग जल्दी सो भी गए क्योंकि ठंड बढ़ रही थी इस वजह से, तो इसीलिए कल वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाई।
तो सुबह देखा ना, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और बहुत लोग है ना कमेंट कर रहे थे कि ब्लॉग नहीं आ रहा है, मतलब मैं ऐसी शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ना, मतलब वैसी शॉर्ट नहीं, मतलब ब्लॉग से छोटी छोटी बना रही हूँ, मतलब हैक्स ब्यूटी हैक्स ऐसी चीज़ें बना रही हूँ हैंकी टकिंग की। तो सब लोग ब्लॉग मिस कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाना बनता है, क्योंकि ब्लॉग चैनल है मेरा इस वजह से। तो ज़रूर बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और चैनल पर न्यू हो और तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम।